मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो हमारी पिछली वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाए जा सकते हैं, राइटिंग कैसे सिखाई जा सकती है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि हमें जो आपने फोनिक सॉन्ग की जो वीडियो बनाई, इसी तरह से जो नंबर्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँ। सो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे के जो अभी स्कूल गोइंग नहीं है या जिनको भी आपने प्ले ग्रुप में एडमिशन करवाया है, तो उनको किस तरह से, क्योंकि बच्चे जब सुनते हैं तो उसके साथ साथ ही फिर वो बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो याद कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो यही कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ जो है वो बर वक्त मिलती रहें। सो चलते हैं हम अपने नंबर्स की तरफ, काउंटिंग की तरफ, कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप बच्चों को जब भी सिखाएं तो कोशिश करें कि आपके पास कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हों जिनको आप साथ साथ काउंट करते जाएं और फिर उनको सिखाएं। सो बच्चों आओ मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6, 7 8 9 and 10। फिर से शुरू करें। 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6, 7 8 9 and 10। तो मज़ा आया आपको काउंटिंग करके? एक दफा फिर से पढ़ें पूरी काउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 and 10। सी क्लैपिंग उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे साथ। सो पेरेंट्स से भी कहूँगी कि बच्चों को मेरी वीडियो के साथ साथ उनको सिखाएं कि उन्होंने कैसे बोलना है, और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम उनको मज़ीद काउंटिंग भी सिखाएंगे। क्योंकि जैसे ही बच्चे बोलना सीख लेते हैं तो बोलने के बाद फिर बच्चे जब लिखते हैं तो उनको बहुत आसानी होती है। इसी तरह से हम उनको फिर बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाएंगे, डॉजिंग में भी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।